नमस्कार दोस्तों, दीप्तिस किचन मैजिक में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चावल की मुठिया। ये गुजरात की बहुत ही पॉपुलर डिश है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिए हैं लेफ्ट ओवर राइस। अब एक बाउल ले लेंगे, इन चावलों को इसमें डाल देंगे। ये मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन। अब इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, कड़ी पत्ता, 2 बारीक हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट, गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे कूट के, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, इससे हमारी मुठियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। इसमें डालेंगे 1 कप फ्रेश दही, थोड़ा सा नींबू का जूस। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स कर लिया है मैंने इसको। अब इसका आटा गूंद लेंगे। ऐसे इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर डो लगाते हुए थोड़ा सा गीला हो जाए तो आप थोड़ा सा आटा और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब थोड़ा सा बैटर हाथों में ले लेंगे और एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेंगे इससे। ऐसे ही मैं सारी बना के रख लूँगी। ऐसे ही मैंने सारी बना ली हैं। अब एक छन्नी लेंगे, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब एक एक करके इस मुठिया को इसमें रखते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसको गैप में रखेंगे। अगर ये गैप में नहीं होएंगी तो अच्छे से ये पक नहीं पाएंगी। मैंने गैस पे पहले ही पानी रखा हुआ था स्टीम होने के लिए। अब इसको 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं मुठिया, चेक कर लेते हैं। टूथपिक डाल के देखिए, ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकली है मुठिया। हमारी बनके तैयार है। अब इसको ठंडी कर लेंगे, इसके भी पीसेस काट लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तड़के में डालेंगे राई दाना। राई चटकने लग गई है, अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। अब एक एक करके इस मुठिया को इसमें रखते जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है इसका। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, मैंने इसमें डाला है पाव भाजी मसाला। थोड़ा सा नींबू का जूस, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाए। मुठिया हमारी बनके तैयार हो चुकी है, इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इस रेसिपी को आप कब बना रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।